बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंग्लिश 9 लेक्चर नंबर 20 और आज हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को डिस्कस करेंगे फ्रॉम 9 10 11। ओपन योर पेंसिल एंड हाइलाइटर आल्सो। इन दिसंबर 1930 डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वाज इनवाइटेड टू प्रेसाइड ओवर एनुअल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हैदराबाद। दिसंबर 1930 को डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल को जलसे की सदारत के लिए बुलाया गया था अलाहाबाद के मकाम पर। इन्हीं एड्रेस उन्होंने अपने खिताब में ओपनली अपोज किया यानी कि मुखालफत की आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग टुगेदर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम एज वन नेशन। हिंदू और मुसलमान एक नेशन के तौर पर पावर शेयरिंग की उन्होंने सख्ती से ममानत की। ही डिक्लेयर दैट मूव टू अप्लाई कॉन्स्टिट्यूशन। ही डिक्लेयर उन्होंने ये बात वाजे की के मूव टू अप्लाई वन कॉन्स्टिट्यूशन टू बोथ। एक ही कानून को दोनों पर अगर लागू किया गया या दोनों पर लागू करने की कोशिश की गई हिंदू एंड मुस्लिम हिंदू और मुसलमानों पर वो रिजल्ट इन अ सिविल वार। तो वो एक सिविल वार के नतीजे में या उसका नतीजा एक सिविल वार भी हो सकती है खाना जंगी हो सकती है। He wanted to see, वो देखना चाहते थे द पंजाब सिंध बलूचिस्तान एंड NWFP a single state for the Muslims। वो पंजाब सिंध बलूचिस्तान और NWFP को एक सिंगल रियासत मुस्लिम रियासत के तौर पर देखना चाहते थे। That they should live according to the teaching of Islam ताकि वो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। We can say that Allama Iqbal was the first thinker to give us the idea of separate homeland for the Muslims of India। We can say that हम ये कह सकते हैं कि Allama Iqbal वो पहला हुक्मरान था या वो पहला इंसान था वो पहला मुफक्किर था जिसने बरसगीर के मुसलमानों को अलग और आजाद रियासत बनाने का ख्वाब दिखाया। सोवरेन खुद मुख्तार या आजाद स्टेट रियासत। द मुस्लिम सून रियलाइज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ द डिमांड फॉर टू सेपरेट स्टेट्स। इट वॉज देन द पाकिस्तान रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1940। और मुसलमानों को भी ये जल्द एहसास हो गया कि हमें एक अलग रियासत की अहमियत पर जोर देना होगा। और इट वॉज देन द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज द पार्टनर इन 1940। और फिर इसी बात को 1940 में इकरारदार पाकिस्तान के मौके पर भी अच्छी तरह से हाईलाइट किया गया। क्वेश्चन है वेयर वॉज एनुअल मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड इन 1930। इसका आंसर होगा द एनुअल मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज हेल्ड एट अलाहाबाद इन 1930। हु वॉज इन्वाइटेड टू प्रिजाइड ओवर द सेशन। सदारत के लिए किसको बुलाया गया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वॉज इन्वाइटेड टू प्रिजाइड ओवर द सेशन। डॉक्टर आलम मोहम्मद इकबाल को इस सेशन की सदारत के लिए बुलाया गया। ऑन वॉट ग्राउंड Did the demand separate state for the Muslim of India? On what ground, किन सूरत हाल की बिना पर demand of separate state for the Muslim of India? इंडिया के मुसलमानों या इंडिया के जो मुसलमान थे उन्होंने रियासत का ऐलान किया। When was Pakistan resolution moved? करारदाद पाकिस्तान कब पास की गई।
दोनों का आंसर है ही डिमांडेड सेपरेट स्टेट ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम। और छठे का है द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन 1940। इसके साथ है पैरा नंबर 10 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885 बाय अ लिबरल इंग्लिश मैन मिस्टर ए ओ हूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एक अंग्रेज मिस्टर ह्यूम की तरफ से कायम की गई। ये जॉइन द इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1849। उसने 1849 में इंडियन सिविल फोर्सेज को ज्वाइन किया था सिविल सर्विसेज को एंड रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विसेज आफ्टर शोल्डरिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ निभाने के बाद उसने 1849 में रिटायरमेंट हासिल कर ली। शोल्डरिंग जिम्मेदारी निभाना रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्तलिफ जिम्मेदारियों शोल्डरिंग दरअसल वर्ब है जिसका मतलब होता है उठाना या निभाना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जिम्मेदारियों को निभाने को उठाने को शोल्डरिंग कहा जाता है। He had been watching the law and order situation in the country quite frequently. He had been watching, उसने देख रखा था law and order situation, नज़्म ज़ब्त की सूरत हाल को in the country, मुल्क में quite frequently, नुमाया तौर पर। He was of the opinion that the high-handed rule of the British was paving way for an unexpected outburst of violence. His plan was to put a safety wall to minimize the mounting sentiments against the British rule. Outburst phat padna, violence tashaddud, minimize kam karna, माउंटिंग बढ़ते हुए सेंटीमेंट्स जज्बात, उसका मकसद सब कॉन्टिनेंट की आवाम के अंदर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बढ़ते हुए अकदामात को कम करना था या उभरते हुए जज्बात को कम करना था। इट वॉज मीन टू प्रोवाइड एन आउटलेट विच कुड वेंटिलेट द रिवोल्यूशनरी स्पिरिट। इट वॉज मीन टू प्रोवाइड एन आउटलेट, इसका मकसद एक ये भी था कि एक रास्ता मुहैया किया जाए, वेंटिलेट रास्ता द रिवोल्यूशनरी स्पिरिट आवाम के सामने। मिस्टर हूम पुट हिज प्लान बिफोर द लॉर्ड ड्यूफेरिन। मिस्टर हूम ने एक मंसूबा लॉर्ड ड्यूफेरिन के सामने पेश किया। क्वेश्चन है हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। मिस्टर ए हु फाउंडेड द नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन टू हु आर मिसेस ए हु, ए हु कौन था। मिस्टर हु वाज अ लिबरल इंग्लिश मैन, ही हैड बीन इन द इंडियन सिविल सर्विसेज, लाइन नंबर टू में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर थ्री व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, लाइन नंबर फोर में इसका आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885 यानी 1885। क्वेश्चन नंबर फोर व्हाई डिड हूम थिंक ऑफ फाउंडिंग दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर है द इंडियन नेशनल कांग्रेस सॉरी द हूम थॉट फाउंडिंग अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही वांटेड टू पुट अ सेफ्टी वॉल टू मिनिमाइज द माउंटिंग सेंटीमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन विद हूम डिड ही डिस्कस हिज प्लान, उसने अपने मंसूबा किससे डिस्कस किया। ही डिस्कस हिज प्लान विद लॉर्ड ड्यूफेन। कॉम्प्रिहेंशन पैसे नंबर 11 देयर वाज वन ऑफ अ मैन हुज डॉक्टर गेव हिम मेडिसिन
which was quite black. एक बार एक आदमी को उसके डॉक्टर ने एक दवाई दी जिसका रंग ब्लैक था, काला था. His servant who was illiterate, उसका मुलाजिम जो कि अनपढ़ था, illiterate mean अनपढ़, made mistake, उससे एक गलती हो गई, and poured out a dose of ink in place of the drug. तो उसने दवाई की खुराक देने की बजाय उसने अपने मालिक को स्याही की दवा की एक खुराक पिला दी. He gave it to master, who drank it. उसने जब अपने मालिक को ये पेश की तो वो इसको पी गया. After the patient had taken the dose of ink, जब मरीज उस इंक को पी चुका, the servant somehow realized his mistake. servant को अब किसी तरह अपनी गलती का एहसास हुआ. He ran back, वो वापस दौड़ा to his master, अपने मालिक के पास, and said, और बोला, sir, I have given you a dose of ink instead of the medicine. सर, मैंने आपको दवाई की बजाय स्याही पिला दी है. Both were equally black, दोनों का रंग क्योंकि स्याह था. What would be done now? अब हम क्या करें? The master replied softly. मालिक ने आराम से जवाब दिया. Now give me a piece of blotting paper to swallow. अब तुम मुझे सफेद कागज दे दो ताकि मैं वो चबा लूं. Question: What was the color of medicine? The color of medicine was quite black. What did the servant give to the master? Servant gave a dose of ink in place of drug to his master. When did the servant come to know of his mistake? When his master had taken the dose of ink, the servant came to know of his mistake. What did the servant do? The servant ran back to his master, told him that he had given him the dose of ink instead of medicine, as both were equally black. What did master say to his servant? The master said to him, now give me a piece of blotting paper to swallow. In three paragraphs, what meaning learn karein, inke question answer ko likhein aur mujhe WhatsApp karein. Iske saath hi mujhe ijazat dijiye. कल तक के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज.